अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो आज का व्लॉग हम लोग करते हैं स्टार्ट। रबीना, दिन अच्छा है और मैं पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी है ना, तो मेरा दिल करता है कि आज मैं व्लॉग जो है ना बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो वीरू, तुम किससे बातें कर रही हो? हैं इधर तो आओ ना। तो गाइज, मैंने आप लोगों को अपना नया मोबाइल दिखाना है, जो कि मैंने ना ये जिन दिनों मैं छुट्टियों पर थी ना, यानी कि मैं ब्लॉग में थी, मैं तो मैंने मोबाइल ले लिया और सोचा कि नया मोबाइल ही ले लेते हैं। तो आईफोन तो आने को रहा, तो मैंने सोचा कि ये वाला मोबाइल जो है ना भाई साहब, ये हम लोग लेते हैं और ट्राई करते हैं कैसा। और इतना कमाल का मोबाइल है ना, कसम से। फिर इसको ओपन तो करो। ओ ले, बिरु नीचे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, भाग कर जाओ। तो खैर, ये इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ये पकड़ो मेरा मोबाइल, इसको संभाल कर रखना, ठीक है। तो गाइज, अभी ना हम लोग आ गए ऊपर और मुर्गियाँ जो है ना, वो मैं सुबह इनको ना फीड देने आई थी, तो ये ऊपर थी, यानी कि बाहर निकल गई थी, बाकी सारे अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बाहर निकालो। कालू जो है ना वो ज़्यादा ही शोर कर रहा है। तो भाई साहब, जब कालू हमारी अंडा देगा ना, तो फिर हम लोग इसका नया नाम रखेंगे, ठीक है। हमें एक दफ़ा पता चल जाए कि ये फीमेल है कि मेल है, ठीक है। इसके लिए मैंने ना बहुत ही प्यारा नाम सोच के रखा हुआ है, ठीक है। अरे हाँ, मैंने सोचा हुआ ना। तो गाइस ना, हम लोगों ने ना उस दिन लास्ट हमारा जो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने अपना केज जो है ना वो सेपरेट कर लिया था पिजन्स के लिए। तो उसके बाद ना वीडियो मैंने इसलिए नहीं अपलोड की, क्योंकि मैं ना वेट कर रही थी कि कब हमारे सारे जो पिजन है ना वो फ्री हों। वो बैठे थे अंडों के ऊपर, उनके पास बच्चे थे, तो मैं सोच रही थी कि वो सारे बच्चे जब निकल रहे हैं तो फिर इसके बाद हम लोग उनको शिफ्ट करते हैं वहाँ पर। मगर भाई साहब, बहुत ही बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है कि हमारा लकी ने सिर्फ एक पेयर बच्चा निकाला था। फिर दरवाज़ा बंद करना, उड़ना चाहिए। तो लकी ने सिर्फ एक बच्चा निकाला है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, देख लो आप। और जो भाई साहब ये नीचे वाला हमारा पेयर है ना पिजन्स का, इसके अंडे दोनों ख़राब हो गए हैं, तो इन्होंने कल के छोड़ दिए हैं। कल के बाद ना ये दोबारा अपने अंडों के पास बिल्कुल नहीं गए, तो इसका मतलब अंडे ख़राब हैं और अब इन्होंने छोड़ दिए। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने सारे पिजन्स को ना दूसरे केज में शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पर ये जो मुर्गी और उसके बच्चे हैं ना, इनको नीचे रख देंगे जहाँ पर हम लोगों ने इनको पहले रखा हुआ था ना, क्योंकि उस तरफ पिजन होंगे ना, तो फिर उन्होंने दाना पानी नीचा के खाना, तो वो उसको खाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुर्गी को ना हम लोग नीचे रख देते हैं। और ओए, बनी ने बच्चा दे दिया। हाँ, हम लोगों ने देखो करना था अभी, वो देखो, पकड़ो फिर उसको। हाँ, बनी ने तो बच्चा दे दिया। हम लोग सोचे थे कि इसको हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, जब इसके बच्चे आएंगे, तो लगता है फिर आज हम लोगों को करना ही पड़ेगा इन सबको दूसरी तरफ। भाई, बनी का बच्चा जो है ना वो एक आ गया। इनके कान तो बंद है। हाँ, इनके कान पहले बंद होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। बिरु कान से पकड़ लो। हाँ बस, ठीक है ठीक है ठीक है, पाँव को नहीं पकड़ना। चलो चलो। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने दोनों बन्नो और बनी को ना केज में रख दिया, वो देखो। मिलना शुरू हो गया अंदर आके, और इसका बच्चा उधर रख दिया। तो गाइस, हम लोग ना यहाँ से देखते हैं बिरू को कबूतर पकड़ते हुए। लकी भी लेकर आने हैं, लकी भी लेकर आने हैं, वो नीचे वाले ब्लैक भी लेकर आने हैं, सारे कबूतर लेकर आने हैं। टोकन कहाँ से? यहाँ से कहीं से नहीं आएंगे ये। फिर वो जगह थोड़ी है उधर से। गाइस, एक जो है ना वो आ गया यहाँ पर, बिरू जो है ना वो, बिरू आराम से कहीं बल ना पड़ जाए तुम्हारी गर्दन को। अंदर करके, अंदर करके, अंदर कर। हाथ पर नहीं ये बैठता, इसको अंदर करो। वाह, इसके पर ना काफी लंबे लंबे हो गए, पहले ना कट हुए थे, मगर इसके ना फीदर में पहले काफी ज्यादा पर्पल शेड था, अब वो खत्म हो गया। तो ये रहा हमारा लकी का
फाइनली एक बच्चा जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं इकलौते को ना, लकी का जो प्यार है ना वो आने वाले। जाली लग गई बाजू पर, नहीं आया ये वो जो खुलने अंडे किधर फेंक दिए सारे टर्की भी केज में चला गया। अभी सिर्फ 3 कबूतर रह गए उस तरफ, इनको पकड़ना थोड़ा सा औखा काम है। वाओ फिर ये तो आ भी गए यहाँ पर अपने बच्चों के पास, उसको पता चल गया है। ये देखो गाइस ये दोनों ना अपने बच्चे के पास आ गए हैं, चलो अच्छी बात है ये। बाकी किसी के पास भी बच्चे शच्चे नहीं है तो वो वेले हैं सारे फ्री हैं। तो गाइस फाइनली हमारे जो सारे पिजन है ना वो इस केज में आ गए हैं, माशाल्लाह काफी प्यारे लग रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर अब ये खुशी खुशी रहेंगे, एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे और हमारा जो बनी का यानी कि फैमिली है ना वो भी इंशाल्लाह शाम तक ना शायद कंप्लीट हो जाए, शाम तक उसके बच्चे जो है ना वो आ जाए। बिरो तो गाइज मैं अभी बाहर आ गई, वहाँ पर दाना और पानी जो है ना पड़ा हुआ, इसका ताला किधर गया, लॉक किधर है इसका, तुमने पकड़ा है वो नीचे है। वो लगाओ यहाँ पर शाबाश जल्दी से, खुद ही मैं लगा देती हूँ। अरुण ने जब तक लगाना है ना तब तक इसको भूल जाना है, हम लोगों ने ये दरवाजा ऐसे किला छोड़ के नीचे चले जाना था। हाँ और अभी हमारी जो बड़ी मुर्गी है ना उसके जो बच्चे ना वो बाहर ही हैं, कुछ ये इधर पंखे के नीचे एसी के और एक मुर्गी के साथ है उधर, तो फिर उसको नीचे लेके जाना कि यहीं पर रहने दे, नीचे ले जाए फिर। चलो फिर इस बच्चों को उठा लो इसके, इनको नीचे ले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर ना टैंकी के पास ना पीछे छुप गया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ईंट गई है और उसने नीचे छलांग लगा दी। गाइस 5 है, किधर है फिरो? शुक्र है वो सही सलामत है जिसने भी छलांग लगाई थी नीचे, टांग वांग तो नहीं टूटी उसकी, चार पाई के ऊपर गिरा था। चलो फिर सही है। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर मैं पानी भर दिया इनका, तो ये रहा इनका पानी, ये रहा इनका दाना और थोड़ा सा सॉफ्ट फूड है वो भी इनको दे देते हैं यहाँ पर। बच्चे चूजे जो है ना वो तो दाना खाने के लिए आ गए हैं, ये सॉफ्ट फूड मैंने नीचे ही फेंक दिया, मुझे पता है मुर्गी ने बाद में बर्तन से ना नीचे गिराई देना था, मैंने खुद ही नीचे रख दिया। ये थोड़ा सा है ये भी इनको दे देते हैं। तो गाइस हमारे मुर्गे जो है ना वो दोबारा से नीचे शिफ्ट हो गई है प्रॉपर तरीके के साथ, दाना पानी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और अभी हम लोग ना थोड़ी देर ना अपने ये जो हमारे डव है इनको देख लेते हैं, इनके पास सॉफ्ट फूड है दाना पानी है सारा कुछ। तो गाइज इन्होंने ना 2 हफ्तों से ना ये पता नहीं क्या ही मजाक कर रही हैं हमारे साथ, अंडा देती हैं तोड़ देती हैं फिर अंडा देती हैं फिर तोड़ देती हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाता, कोई इस केज के पास नहीं आता, ये इतना डरती हैं खुद अपने आप से ही डरना शुरू हो जाती हैं। तो गाइज आज है संडे और कल हमारी जो बनियों ने एक बच्चा दिया था ना वो गाइज वहीं का वहीं है, उसने दूसरा बच्चा दिया ही नहीं, कोई और नहीं दिया बस एक ही है। तो देखते हैं अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये साहब दोनों इधर बैठे हैं, लकी जो है ना वो इधर है और वो रहा उनका बच्चा। ओए तुम जिंदा हो हैं हैं क्यूटी, ओए 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 देखो इसके मुंह के अंदर कितनी ज़्यादा मट्टी चली गई है। तो खैर गाइस हम लोग ना दोबारा से अपना ये जो वुड का हमारा है ना केज हम इसको ना पेंट करने लगे हैं, अरु और यमुना ना दोनों फ्री थी तो मैंने सोचा चलो इनको ना ये वाला काम देते हैं और ये शौक से करेंगे खुशी खुशी। अरु तुम्हारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, पानी पानी तो तुम नीचे से ही कर लो, मैंने तुम्हें वो फॉर्म दी थी उसके साथ करो ना, तो यमुना इसके 2 पीसेस कर लो। वाओ ये पिंक कलर तो काफी प्यारा लग रहा है ना, मेहरून है मगर पिंक ही लग रहा है यहाँ पर, तो जल्दी कर लो मेरे जो मुरु है ना वो दोनों डर रहे हैं। तो
तो गाइज मुरु ना फाइनली बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गए हैं, काफी गंदे हो गए थे ये क्योंकि नीचे मिट्टी थी ना, मगर अब ना इनके जो फीदर है ना वो वाइट हो गए हैं और जो हम लोग ने फीदर कट किए थे वो भी आना शुरू हो गए हैं और इनका जो फ्लू था वो भी ठीक हो गया, आँख नाक सब इनका जहाँ से पानी निकल रहा था ना वो अब सारे ना ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ये दोनों ना ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। और इधर तो देखो हैं, चलो अरु और यमुना जल्दी जल्दी से कर लो ठीक है। इसके अंदर ना दोनों काम कर रहे हैं तो मैंने इनको मशवरा दिया है कि ना केज को ना उठा के बाहर यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ना हवा वगैरह चल रही है तो इनको गर्मी भी नहीं लगेगी, ये इजीली ना अपना सारा जो काम है ना वो फिनिश कर लेंगे। तो अभी केज को ना उठा के बाहर लेकर आते हैं, वैसे भी खाली है तो ईजीली उठाया जाएगा। गाइस फाइनली ना केज जो है ना वो बाहर मैंने निकाल दिया इन दोनों को, तो अभी ये दोनों बैठ के यहाँ पर ना केज को कलर कर रही हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से अंदर से साफ़ सूफ करके तो फिर रखेंगे। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ओसम लग रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अगला नया दिन और ये देखो भाई अरु और यमुना ने ना केज को ना रात को उन्होंने कलर कर दिया था इसको सारा, तो मैंने सोचा कि इनको ना अभी बाहर रखते हैं, तो ये रात ना पूरा केज बाहर ही है। मोरों ने भी ठंडी हवा खा ली होगी और ऊपर जो हमारा एक ब्लैक सील का मुर्गा है उसने भी काफ़ी अच्छी हवा खाई होगी है, हवा से पेट भर गया कि दाना भी चाहिए। हाँ कालू, तो गाइज हम लोगों ने ना यानी कि अपना पिजन का जो सेटअप है वो अलग कर दिया, आप लोगों को पता है। तो मैंने बाबा से बोला कि अभी हम लोगों ने पिजन का सेटअप अलग किया तो अभी हमें यहाँ पर कुछ नए पिजन्स मांगता है चाहिए। तो बाबा रात को पिजन्स लेकर आए थे, तो बिरू किधर किधर ओ पागला, आजाद छोड़ दी इसने, हाँ पकड़ के लाओ। तो गाइस वो पिजन इतने प्यारे कि ऐसे पिजन्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, सच कह रही हूँ मैं। तुम पकड़ोगे या फिर तुमने मेरी वीडियो का सत्यानाश कर लिया? तो गाइस बिरू से नहीं पकड़े जाए ना, उसने यहीं पर आजाद छोड़े तो ये ना हो वो डर जाए यहाँ से कहीं उड़ के चले जाए। वैसे उनसे उड़ा नहीं जाएगा बट क्या पता हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग ना उनको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि वो किधर है। तो ये रहे भाई हमारे न्यू पिजन्स, अमेरिकन ये लकी हैं और इनका जो शेड है वो अलमर शेड में है, ये बादामी रंग में है। ओए होए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे, माशाल्लाह ऐसे पिजन्स मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। यानी कि बहुत सारे पिजन्स देखे हैं, मोबाइल पर देखे हैं, पता चल जाता है पिजन्स का, मगर बिरू तुमने कभी ऐसे पिजन्स देखे? नहीं, हम लोगों ने येलो लका भी देखा हुआ, बिरू ने देखा? बिरू लेकर आओगे तुम वो? चलो ठीक है, वो भी लेकर आना। तो गाइज माशाल्लाह हम लोग अभी इनके बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हीं के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। तो इस कलर में है ठीक है, वो भी बिरू की ना नज़र में है एक कबूतर ना यहीं पे कहीं हमारे मोहल्ले में, तो वो बिरू कह रहे हैं कि हम लोग वो लेकर आएंगे। मगर अभी हम लोग ना अपने इन डायमंड कह रही हूँ अलमर लकी कबूतर उसको ना हम लोग केज में रखते हैं और भाई साहब देखते हैं कि ये एडजस्ट होते हैं यहाँ पर नहीं लकी मारेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि लकी इन्होंने भी ज़मीन पर रहना, इनसे भी नहीं इतना उड़ा जाता और वो भी ज़मीन पर ही रहते हैं हमारे वाइट लकी, वो भी नहीं कहीं। लेकिन फर्क रकम का, रकम का फर्क तो है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा इतने एक्सपेंसिव है, मगर हैं तो प्यारे भाई साहब। कीमत भी चेक करो और इनकी खूबसूरती भी चेक करो, आला। और ये हमारे इस मिनी ज़ू में मेरे ख्याल तकरीबन सबसे एक्सपेंसिव पेयर यही है। और ये दुकान वाले ने बोला है कि ये और किसी के पास नहीं है भाई साहब। ये बिरू यार इनको पकड़ो ना, हाथ में पकड़ो, कैसे हम लोग दिखा रहे हैं। मेल बहुत ही बादामी कलर है, हाँ फीमेल का जो कलर है वो ज्यादा बादामी है। मैंने सुना था कि जो बर्ड्स में मेल ज्यादा प्यार होते हैं, मगर ये तो फीमेल बहुत ही ज्यादा प्यारी है। शेर चेक करो, ओए वो देखो जहाज जा रहा है, लगता है आज का मेरा व्लॉग है ना वो बहुत ज्यादा हिट रहने वाला है। और बिरू ने लकी कबूतर जो है ना वो छोड़ दिया, बिरू तुमने आराम से पकड़ना था, है उधर फेंक दिया इसने। तो गाइज हम लोग ना अंदर आए हैं अभी चेक करने के लिए कि भाई ये क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। ओए ये देखो बिरू, ये लकी में ब्लैक शेड आ रहा है। हाँ ओ बिरू ये
और नहीं अपना बाल नहीं है पागल, वो वैसे ही लगा हुआ मुंह पर। हाँ है तो प्यारा लग रहा है, मगर ये इसका अपना बाल है। मुझे ऐसा लगा जैसे इसके ना अपना बाल है यहाँ पर नाक के ऊपर आ गया हुआ है, मगर ये इसका अपना बाल नहीं है। वैसे यहाँ पर कबूतरों का ना इसके मुंह पर लग गया। ये इसके फीडर देखो किस तरह के बिरू लगी। और भाई साहब हमारे नए कबूतर भी ना इधर ही हैं, देखते हैं कि ये लड़ाई वड़ाई तो नहीं करते ना। और तुम लोग बताओ, अरे नए कबूतर आए, नए फैमिली मेम्बर आए तुम लोगों के घर में, कैसे लगे तुम लोगों को? अच्छा मुझे ये जो दरमियान में ना ब्राउनी, इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगता था ना, मगर जब से वो वाले कबूतर आए हैं ना, इसका कलर ना फीका फीका लगना शुरू हो गया मुझे। ऐसा क्यों है ब्राउनी? और हसीना को सबको बाहर निकालते हैं, इनको बंद कर देते हैं। बिरू ये केज अंदर रखना है, रात कल मैंने इसको निकाला, बहुत मुश्किल से निकाला, मुझे लगा था हल्का सा होगा, इजीली मैं इसको उठा लूँगी और बाहर ले आऊँगी, मगर ये इतना हैवी था ना कि हमसे नहीं था उठाया जाए। तो अभी ना इसलिए फिर रात को ना केज में वापस इसको रखा ही नहीं, और अभी हम लोग इसको अंदर केज में वापस रखते हैं, मैं और बिरू। आखिर क्या मैंने और बिरू ने ना हम लोगों ने केज अंदर रख ही दिया, बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने ये केज ना इसको अंदर रखा है। और ये अमेरिकन जो हमारे लकी पिजन्स हैं इनको भी हम लोगों ने इस केज में रख दिया, क्योंकि वहाँ पर ना नहीं बन रही थी भाई साहब, वो लकी वाइट लकी इनको बर्दाश्त नहीं थे कर रहे, जेलस हो रहे थे इससे कि इतने प्यारे कबूतर कहाँ से आ गए ये। तो अभी जो आवाज़ें वगैरह आ रही है ना, आपको पता चल रहा होगा कि भाई साहब 14 अगस्त जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट तो हफ्ते से हो गई है, मगर अभी ये जो पाँ वाली आवाज़ है ये सारा दिन नहीं ख़त्म होने वाली है। तो ये रहा मेरा 3-4 दिन का व्लॉग, और अभी हम लोग इस व्लॉग को यहीं पकड़ते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सानिया चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।